मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी देश की मशहूर गायिका स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया है। विश्व प्रसिद्ध महान गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आज सुबह 8:12 पर निधन हो गया। भारत रत्न स्वर कोकिला संगीत की मलिका और ना जाने कितने नामों से अपनी आवाज के दम पर करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर के निधन की खबर से पूरा देश स्तब्ध है। लता मंगेशकर को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद 11 जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां सुधार के बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ी। लता मंगेशकर को शुरुआत में वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन जब सुधार के लक्षण दिखे तो उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। 27 जनवरी को उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया था कि लता दीदी का इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में जारी है। उन्हें आज सुबह एक्सट्यूबेशन का ट्रायल दिया गया है। वर्तमान में वो सुधार के संकेत दे रही हैं, परंतु बीते दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से आईसीयू से वेंटिलेटर में रखा गया था। डॉक्टर ने इससे पहले शनिवार को जानकारी दी थी कि लता मंगेशकर को स्वास्थ्य स्थिर होने के बाद वेंटिलेटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अचानक बीते रोज उनकी सेहत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें फिर वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बाद आज रविवार सुबह उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में हुआ था।